Subscribe to my channel and press the bell icon to see my videos first. Hello guys, I'm Kunal and today I'm gonna tell you that how you can paint your bike with help of this spray paint can. So let's get started in this video. तो इसके लिए जो है हमको ज़रूरत पड़ने वाली एक सैंड पेपर की और स्प्रे पेंट, जो कि आपके आसपास कहीं भी कोई बाइक वगैरह की एसेसरीज़ वगैरह सेल करता हो तो ये आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मैंने भी वहीं से ख़रीदा था, ये मुझे पड़ा था 250 के आसपास। और इसके अलावा आप जो पार्ट आप कलर नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि ये मेरा बॉटल होल्डर है, मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर कलर स्प्रे करते टाइम इसके ऊपर आए, तो मैं इसको कवर कर दूंगा। तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर वगैरह कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई पॉलीथीन यूज़ कर सकते हैं, तो मैं तो यहाँ पर न्यूज़पेपर यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको कवर कर दूंगा। सो गाइस, बाइक का जो ये फ्रंट पार्ट होता है इंजन का, इस पर देखा जाए तो नॉर्मली सबसे ज़्यादा रस्ट यहीं पर लगती है, क्योंकि पानी या बारिश में जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो डायरेक्टली टायर से जो भी मड वगैरह उछलता है वो सीधा जाकर यहीं पर लगता है। उसकी वजह से ये जो पाइप वगैरह है या फिर इंजन का फ्रंट है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है रस्ट लग जाती है। तो अभी जो है हमको पूरा इसको सैंड पेपर से हटाना होगा प्रॉपरली। और एक चीज़ और याद रखना है, जैसा कि मेरा बॉटल होल्डर था तो मैंने इसको जो है पेपर से कवर कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसके ऊपर पेंट स्प्रे करते टाइम पर इसके ऊपर आए। तो आप या तो पेपर न्यूज़पेपर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपके पास पॉलीथीन वगैरह तो उससे कवर कर दीजिए जिस पार्ट पर आप नहीं चाहते हैं पेंट करना। तो अभी सैंड पेपर से इसको पूरा रस को निकाल देना है स्क्रैच करके। तो गाइस, पाइप को पूरी तरह से क्लीन करने के बाद में अभी हमको इसके ऊपर पेंट करना है। तो पेंट करते टाइम पे दो तीन चीज़ों का खासकर ध्यान रखने वाली बात है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप इसके ऊपर पेंट करें तो जो स्प्रे पेंट का जो कैन है उससे, और जहाँ पर भी आप कलर या पेंट करने वाले हैं उससे थोड़ा सा अप्रोक्स 20 to 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा पास रखेंगे तो ज़्यादा मोटा पेंट होगा, तो अगर आप चाहते हैं पूरा शाइनिंग और प्रॉपर पेंट हो तो उसके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इसको हमको तीन कोट करना पड़ेगा। अभी पहला जो कोट है मैं करके इसको थोड़ी देर सूखने दूंगा। तो अभी जो पहला कोट है ये हमने कर दिया है, इसको थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अभी जो है फर्स्ट कोट जो हमने किया था वो सूख चुका है, थोड़ा सा पेंट इस पर भी जा रहा था, तो मैंने यहाँ पर पेपर लगा दिया, इसको कवर कर दिया। अभी जो है हम इस पर सेकेंड कोट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था तीन कोट करना है पेंट का, तभी जाके प्रॉपर पेंट होता है। तीनों कोट कंप्लीट होने के बाद में जो पेपर्स वगैरह हमने लगाए थे अभी हम उनको रिमूव कर देते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर्ली पेंट हो चुका है दोनों साइड से। बाइक के जो पहले जो पाइप था जिस पे पूरी जंग लगी हुई थी, काफ़ी ये बिल्कुल नया जैसा दिख रहा है। तो ये आप घर पे कर सकते हैं, काफ़ी सस्ते में ये हो जाता है। यही काम अगर आप कोई मैकेनिक या कोई स्प्रे वगैरह करते हैं वहाँ पर जाके पेंट जॉब वगैरह कराएंगे तो ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है और बिल्कुल नया जैसा हो गया है ये अभी। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।